हेलो एंड वेलकम टू गेम ऑन। वेस्ट इंडीज ने मारा, भारत एक बार फिर से हारा, टीम इंडिया ने सीरीज गंवाई, साथ में एक बार फिर से ना कटाई दिया। वेस्ट इंडीज जैसी टीम जो कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रही है, चाहे वो ओडीआई का हो चाहे वो टी20 का हो, लेकिन हमारी टीम इंडिया जो है वो उनसे हारी जा रही है। हम बात करते हैं विराट कोहली की जगह टी20 में नहीं बनती, रोहित शर्मा की नहीं बनती, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये हार्दिक पांड्या दर्शा रहे हैं किस प्रकार से टीम चला रहे हैं। और अब ये साफ तौर पर दिखने लगा है कि हार्दिक को क्या प्रॉपर कप्तानी देना एक सही फैसला है और ये सही समय है। तो मैं कहूंगा कि शायद नहीं, जिस प्रकार से उनके बयान आते हैं और जिस प्रकार के डिसीजन आज के मैच में लिए गए, जब ये निर्णायक मैच होने वाला था, आपके लिए डू और डाई होने वाला था, अगर ये मैच आप हारेंगे तो सीरीज हार जाएंगे, लेकिन वहां पर हार्दिक ने सरासर खराब कप्तानी की, खराब बल्लेबाजी की, खराब गेंदबाजी की, कुछ भी सही नहीं किया और टीम इंडिया को मैच हरा दिया। अब इस मैच की अगर हम बात करेंगे तो पहले टीम इंडिया आती बल्लेबाजी करने को, सूर्य कुमार यादव एक बल्लेबाज जिन्होंने 61 रन की पारी खेली, कुछ 3 छक्के लगाए 4 चौके लगाए, उनको छोड़ देकर तो कोई बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाता, सब एक के बाद एक आते हैं जाते हैं, चाहे संजू सैमसन हो, जायसवाल हो, गिल हो, कोई हो। तिलक वर्मा थोड़े से अच्छी लय दिखाते हैं, 25-26 कुछ रन बनाते हैं, लेकिन उनके अलावा तो कोई बिल्कुल भी कुछ कर नहीं पाता है। खासतौर पर सबसे बड़े कल्प्रिट निकल कर नजर आते हैं वो होते हैं हार्दिक पांड्या, 18 बोले सिर्फ और सिर्फ 14 रन और टीम इंडिया का बंटाधार कर देते हैं। उसके बाद जब वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी आती है, टीम इंडिया की गेंदबाजी आती है, अर्शदीप सिंह शुरुआत में एक झटका देते हैं टीम इंडिया को, लेकिन आप बीच में ओवर ही नहीं कराते हैं। अर्शदीप जो विकेट ले चुके होते हैं तब तक कि वो सिर्फ 2 ओवर डाले होते हैं, हार्दिक उनसे पहले 3 ओवर डाल जाते हैं और 10 के ऊपर से इकोनॉमी से रन खाते हैं और वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को उनकी जीत में मदद करते हैं। और जब कप्तानी की बात करेंगे तो वहां साफ तौर पर आपको नजर आएगा अक्षर से ये बॉलिंग नहीं कराते हैं। बाकी फिर अगर आगे आप देखेंगे तो तिलक वर्मा को बॉल डाले दिए जा रहे हैं, यशस्वी जायसवाल को दिए जा रहे हैं, अक्षर को ओवर तब देते हैं जब मैच खत्म हो चुका होता है, यानी 17वें 18वें ओवर में करीब उनको 1 ओवर के लिए लाते हैं, लेकिन फिर तिलक वर्मा 2 डाल जाते हैं, यानी मतलब अक्षर को आप बॉलर समझ नहीं रहे, बैट्समैन के तौर पर आप नंबर 7 पे खिला रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी बिल्कुल समझ से परे है। अब ये खुद अक्षर की भी डिसरिस्पेक्ट है, क्योंकि जिस प्रकार से जिस कैलिबर के वो गेंदबाज है, वो बॉलर है, तो उनको भैया इस तरह का चांस देना चाहिए, उनको गेंदबाजी ना कराकर पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं हार्दिक पांड्या। और साफ तौर पर वेस्ट इंडीज ने टीम इंडिया को यह सीरीज हरा दी है, आईना दिखा दिया है, हार्दिक पांड्या को बता दिया कि भैया 3 टीम बताने की या बनाने की जरूर आप बात करते हैं, लेकिन क्या आप बना सकते हैं, तो मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं, जो कि हमें साफ तौर पर देखने को मिला है और जो कि सबसे बड़े कल्प्रिट यहां पर हार्दिक पांड्या ही मैं मानूंगा। जब इससे पहले जो मैच था, या तीसरा वनडे था, तीसरा टी20 मैच था, वहां पर जब हाफ सेंचुरी होनी थी किसकी, तिलक वर्मा की, तब तो हार्दिक पांड्या बहुत बड़े बल्लेबाज बन जाते हैं, छक्का आके जिता देते हैं मार के, आज पे छक्के नहीं लगे, 18 बॉल आप खेल गए, जब जरूरत थी तब आपसे छक्के नहीं लग रहे थे, वहां आपको भैया बन गए, मिया भाई छक्के मार दिए, सब कुछ कर लिए, यहाँ पे नहीं कर पाए। तो वही कहानी है टीम इंडिया लगातार हार्दिक की कप्तानी किस प्रकार से, अब किसी को समझ नहीं आ रही, लगातार बयान आना, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ यूनिक करेंगे और यूनिक कर दिया कि वेस्ट इंडीज जहां पे हम सीरीज नहीं हारते थे उनसे भी आप सीरीज हार कर चले आए। तो फिलहाल यही बड़ी न्यूज थी, वेस्ट इंडीज ने मारा, टीम इंडिया एक बार फिर से हारा।